हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम IRCTC से कैसे एक टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें IRCTC कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, मैं बता देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, IRCTC एप्लीकेशन सर्च करनी है। जैसे ही IRCTC एप्लीकेशन सर्च हो जाएगी आपको उसको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। सिंपली आपको जाना है और उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर लिया है, अब इसमें लॉगिन कर लेते हैं। ये वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेशन स्टार्ट हो गई। अब उसने मुझे लॉगिन करने को बोला। जैसे कि आप देखते हो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने पिन के थ्रू लॉगिन किया है। आप डायरेक्टली यूजर नेम ID पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे हमारा वेरिफिकेशन अभी चल रहा है तो मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और हम क्या करना है, जैसे आपको टिकट बुक करना है तो प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। फिर जहाँ पे आपको जाना है, सपोज दैट मुझे न्यू दिल्ली से कानपुर जाना है तो मैं कानपुर सेंट्रल ले लेता हूँ। फिर डेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, सपोज दैट 23 का टिकट बुक करना है। सेलेक्ट कर लिया, सर्च करेंगे ट्रेन को। हमारी ट्रेन सर्च हो गई है। ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम बुकिंग कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब देख सकते हो इतने दिन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसमें नीचे आते हैं, सपोज दैट इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तत्काल टिकट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हो डायरेक्टली। सर्च करते हैं तत्काल टिकट पर, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। चलिए मैं डेट आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हमें कुछ अवेलेबल सीट्स मिल जाए। क्लिक करते हैं इस पर। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। फिर पैसेंजर का नाम डालते हैं, सपोज दैट मैंने डाला टैसेट राम सिंह। एज डाला 24, मेल। प्रेफरेंस आप जो भी लेना चाहो आप यूज कर सकते हो विंडोज। मैंने नो प्रेफरेंस लिया है ताकि इजीली हमारा टिकट बुक हो जाए। डन करते हैं। डन करने पर पैसेंजर की डिटेल ऐड हो जाएगी। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अपना डाल सकते हो। फिर बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने डाल दिया अपना डमी डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बुक नाउ पे क्लिक करें, मोबाइल नंबर गलत बता रहा है, मैं अपना अभी का डाल देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस पे नो कर दिया हमने, बुक नाउ पे क्लिक किया। इसने हमें अमाउंट बता दिया कि ये अमाउंट लगेगा आपको वहाँ पे जाने में। सिंपली हम कैप्चा डाल लेते हैं। ट्रैवल एक्ट
प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। इस तरीके से आप किसी का भी टिकट बुक कर सकते हो अपने ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू। इसने बोला कैप्चा गलत है, मैं दोबारा पुट कर लेता हूँ। जी फिर क्लिक किया, प्रोसीड टू पेमेंट किया। और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। मैं पेटीएम लेता हूँ अक्सर। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसे सर्च करना है। जैसे आप पेमेंट क्लिक करते हो आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी डैशबोर्ड में। मैं पेटीएम में लॉगिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टिकट बुक नहीं करना था, मैंने आपको ये दिखा दिया। सिंपली आप पेमेंट करोगे आपका रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।